खबर सोनीपत के हरियाणा से सामने आ रही है, जहां विकास कार्यों को करवाने के लिए वार्ड नंबर 22 की ब्लॉक समिति मेंबर प्रवीण देवी के पति राजेश गांव मकीनपुर के मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जो कि अब प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया कि जल्द समस्याओं का समाधान होगा। अब टावर पर चढ़ा व्यक्ति 6 घंटे बाद नीचे उतर आया और उन्होंने बताया कि अगर गाँव की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह फिर से टावर पर चढ़ने के लिए बेबस हो सकता है। इस दौरान उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कारण ये था जी, 1.5 साल के लगभग हो गए पंचायत बने और गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, पता नहीं लग रहा है वो पैसा आ रहा है कागजा में कहाँ कहाँ नहीं। मेरे गांव में हरा भरा पार्क था, बिल्कुल वो उजड़ गया, उसमें आज मिट्टी की धूल उड़न लग रही है। एक ये जोड़ है, ये बारिश की, अभी बारिश चालू हो जाएगी तो गांव में पानी घुस जाएगा। लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने जाती, मेरे गांव की थी, इतने गंदे पानी में लेटरिन का, पेशाब का, भैंसा का मूत वो इस समय जाता है, वो पूरे रोड पर खड़ा हो जाता है। और 10 दिन से मैं सबके पास घूम रहा हूँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जी, मैंने अप्लीकेशन नहीं दी और रिक्वेस्ट नहीं करा हो अगर जी महाराज ये करा दो। हालांकि ये बोल रहे हैं ग्रांट भी आ चुकी है तुम्हारी, लेकिन ग्रांट आने के बाद भी मेरे गांव में कोई विकास कार्य नहीं चल रहा। कब टावर पर चढ़े, कितने घंटे बाद उतरे? गाँव टावर पर चढ़ा था जी मैं करीब 6 बजे के आसपास, और अभी आप देख लो अभी उतरे 4 घंटे। BDPO के आश्वासन पर ही मैं उतरा हूँ जी, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो यही टावर है जी, यही शरीर है, यही गाँव है। हाँ जी बिल, अब की बार तो उतरूंगा ही नहीं जी, चढ़ गया तो या तो ये मशीन लग गई तो ठीक है जी, नहीं तो मेरी ऊपर से ये मान लो जी आप डेड बॉडी ही जाएगी जी गांव से उठ कर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।